लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम माई अनदर ब्लॉग। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना बहुत ही करीब आ चुका है। तो आज 2 अप्रैल है, शायद आज चांद निकल आए, तो हमें आज रात में सहरी खाना है और तरावी पढ़नी है और कल का रोज़ा होगा हमारा। तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। फ्रेंड्स फाइनली चांद दिख गया है, तो अब हम जा रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए। देखिए हमारे साथ ये आहत भाई भी है, ठीक है, टोपी नहीं है इसके सर पे, लेकिन कोई बात नहीं, लेने जा रही है। तो चलिए फैजान भी हमारे साथ जुड़ेगा, चलते हैं। الشهر الحرام في الشهر الحرام كل حكم القصار فمن يقدر عليكم بعد دعائكم مثل ما قدر عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التعلق واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتقوا الحج والعمره का टाइम हो गया है, अब हमें सैरी करना है। हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो अभी 12 बज चुके हैं और अभी मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि सुबह 6 बजे सोया था नमाज़ वमाज़ पढ़ के, तो अभी तक तो उठे ही हैं। अभी जाते फ्रेश व्रेश होना है और फ्रेश व्रेश होकर नमाज़ की तैयारी करनी है, नमाज़ पढ़ने जाना है। नमाज़ पढ़ के उसके बाद असर की नमाज़ होगी, असर की नमाज़ के बाद अफ्तारी का सामान वगैरह लेके आएंगे और उसके बाद तो फिर तो इंतज़ार रहेगा बस अफ्तारी करने का। तो चलते हैं, आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन क्या करना, हमें थोड़ी ना धूप में निकलना है। अस्सलाम वालेकुम, फिर एक बार मैं आपको मिलता हूँ। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं, अभी हमारे पास बस 1.5 घंटा बाकी है अफ्तारी के लिए। तो सो अब हमारा इंतज़ार कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा और अफ्तारी करेंगे। इतनी भीड़ होती है ना, क्या बताऊँ। असर के नमाज़ के पढ़ने के बाद देखिए मैं ये लेने गया, आधे घंटे लग गए मुझे ये लेने में, और महंगी इतनी चीज़ें कर दी इन्होंने। एक नींबू 10 रुपये का मिल रहा है, बताओ कितने महंगा कर दिया इन्होंने, एल लगी पड़ी है। जा रहा हूँ, जीने पे आ गया हूँ।
पकौड़े तैयार हैं, अब हमें बनाना है, अफ्तारी की तैयारी करनी है। तरबूज वगैरह, केला और पपीता वगैरह जो भी है हमारे पास अफ्तारी के लिए, वो काटना है। ठीक, बस आधा घंटा बाकी है अब अफ्तारी के लिए। इंतज़ार बहुत ज़्यादा हुआ हमारा, वैसे रोज़े का नाम ही सब्र है। तो चलिए बस कुछ देर में अब अफ्तारी करेंगे।